नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब शुरुआत करते हैं दिन भर की प्रमुख और खास खबरों के साथ। खबरों के इस बुलेटिन खबरें फटाफट में। ललितपुर में अभी नंदोनोदय अतिशय तीर्थ के पंच कल्याण महोत्सव के पात्रों का चयन मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में हुआ सम्पन्न, जिसमे पंच कल्याण महामहोत्सव घोषणा। ये कार्यक्रम 31 जनवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 के बीच होंगे संपन्न, जिसमें बहेगी धर्म की प्रभावना। ललितपुर के पुलिस लाइन्स सभागार में पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय की अध्यक्षता, प्रतिचार निरीक्षक जगदीश चंद्र, प्रोजेक्ट प्रभारी निरीक्षक सुधाकर सिंह की उपस्थिति में प्रोजेक्ट नई किरण का आयोजन किया गया। सभी सदस्यों द्वारा समझाने के बाद चार परिवारों में आपसी सुलह के आधार पर समझौता कराया गया। चार परिवार खुशी खुशी साथ रहने को तैयार हो गए और आपस में मिठाई खिलाकर रिश्तों की मिठास का दिया संदेश। पुलिस अधीक्षक महोदय गोपाल कृष्ण चौधरी जी के नेतृत्व में अनवरत रूप से पुलिस लाइन सभागार में अपना प्रोजेक्ट नवीकरण अभियान चल रहा है। इसमें आज हमारे यहाँ करीब 9 पार्टियों के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। इसमें करीब 5 से 7 पार्टियाँ यहाँ आई हैं और अभी सुनवाई भी चल रही है। और इसमें हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो छोटी छोटी बातों में जो परिवार एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उन्हें कैसे एक साथ जोड़ा जाए और उनकी जो गलतफहमियां उनको दूर किया जाए। इसलिए हम लोग रविवार के दिन इस चीज़ को आयोजित किए हैं। इसमें हमारे और भी महिला जो टीम रहती है पुलिस की वो रहती है, यहाँ के जो RI साहब रहते हैं और भी पुलिस अधिकारी रहते हैं, कभी कभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी आ जाते हैं, CO साहब अभय नारायण जी भी आते हैं और उनकी पूरी टीम भी रहती है। और इसमें हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो परिवार टूटे न और एक साथ फिर पुनः अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। यदि कोई थोड़ी सी भी गलतफहमी है तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं और कोर्ट से भी बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद एक लंबी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस प्रोसेस को समाप्त किया जाए और यहाँ पर वो परिवार, यहाँ से हम लोग काफ़ी परिवारों को भेजते भी हैं, जब आम सहमति बन जाती है हम लोग को तो फिर उनको यहाँ पर एक पूर्ण सम्मान के साथ उन परिवार के महिला और उनके जो पति रहते हैं उनके माध्यम से और सब उनके परिवार के लोगों को बुलाकर उनके सामंजस्य भेज दिया जाता है। पारिवारिक जितने भी विवाद रहते हैं निश्चित तौर पर बहुत छोटी सी कमी की वजह से परिवार टूटता है। जब परिवार टूटता है तो निश्चित तौर पर उस कमी को कैसे है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन उसको यदि अपन लोग नहीं, यदि हम लोग जो हमारी जो काउंसलिंग टीम है यदि उसको नहीं प्रॉपर तरीके से उनके लिए समझाएंगे तो हमें लगता है वो परिवार फिर पुनः नहीं जुड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोगों की एक बहुत लंबी माथापच्ची होती है, लेकिन हम लोग इसमें खुश रहते हैं कि वो परिवार जुड़ गया और वो अच्छे से खुशी खुशी से गए, तो इसको भी हम लोग स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। इसमें मनोज जी आपको हम एक चीज़ बता दें कि वास्तव में एक आत्मा की बहुत ज़्यादा एक प्रसन्नता की अनुभूति भी होती है। और आज हम लोग देखते हैं बहुत ऐसे परिवार हैं, कभी मार्केट में भी मिल जाते हैं या कहीं जैसे कहीं कोई गांव में या कहीं शहर में जाते हैं तो पता चला उन्होंने, देखो आपने हमारा परिवार उस समय जुड़वा दिया, आज हम अच्छे से रह रहे हैं। तो हमारे जो एक जो रविवार का जो दिन रहता है अपने परिवार को साथ परिवार को देने का, वो जो हम लोग यहाँ पर करते हैं तो उसका हम लोग के लिए पर एक ये हो जाता है, आत्मिक शांति मिल जाती है कि रविवार का जो दिन हमने परिवार के साथ बिताना था वो हम यहाँ पर एक अच्छे काम के साथ उस चीज़ को पूरा करते हैं। और जब उस काम को पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर एक आत्मिक अनुभूति होती है और ये भी लगता है कि समाज में जो एक थोड़ी सी कुरूतियाँ हैं छोटी छोटी सी बातों परिवार को लेके, पता चला प्रेग्नेंट भी है वाइफ फिर भी छोड़ देते हैं, तो ये सब चीज़ों से भी हम लोग को बहुत अच्छा महसूस होता है कि वो परिवार पुनः एक साथ होकर और अच्छे से रहने के लिए तैयार हो जाता है। ललितपुर शहर के तालापुरा रोड स्थित छतेदार कुआं के पास ओवरलोडिंग के चलते एक विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग देसी इलाके में मचा हड़कंप। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। ललितपुर शहर के स्थानीय कंपनी बाग में बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर T2 के नेतृत्व में सेना के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कचहरी परिसर में जगह जगह दोपहिया वाहन खड़े होने से लोगों को निकलने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बुंदेलखंड विकास सेना ने कचहरी परिसर में 2-व्हीलर स्टैंड बनाए जाने की मांग की है, जिससे कि लोगों के निकलने में होने वाली परेशानियों से लोगों को निजात मिल सके।
देखिए जुडिशरी में अगर आप चले जाएं तो दो पहिया वाहनों की भरमार है, लोग वहां से निकल नहीं पाते, घंटों जाम लगा रहता है वहां पे। आप देखें जुडिशरी के पीछे जिला पूर्ति कार्यालय है, समाज कल्याण विभाग है, डूंडा है, विकलांग ऑफिस है, तमाम विकास भवन है, सीडीओ साहब के ऑफिस हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे आवागमन पूर्णता अवरुद्ध रहता है। तो हम लोग प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि अन्यंत्र कहीं ना कहीं एक टू व्हीलर स्टैंड बना दिया जाए जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो। लोग घंटों नहीं निकल पाते, झगड़े हो रहे हैं, जाम लग रहा है, तो ये स्थिति बनी हुई है। तो जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, सीडीओ साहब घंटों जाम में फंसे रहते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन समस्याओं के निदान के लिए कोई पहल नहीं कर रहा। बुंदेलखंड विकास सेना ने इसके लिए पहले भी कहा, आज भी धरना प्रदर्शन का कर रहे हैं, अगर वो इस बात का निदान जिला प्रशासन ने नहीं किया तो हम लोग उनके यहाँ घेराव करेंगे। ललितपुर शहर की लाइट रोड स्थित बयाना नाले पुल के निर्माण को लेकर स्थायी पुल पर लगने लगा अब लंबा जाम, जिसके चलते पुल के दोनों तरफ टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और वहां से राहगीरों यहां से निकलने में काफी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ा। ललितपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान की उद्देशिका का सामूहिक पाठन किया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ा, जिसे सभागार में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों ने भी उद्देशिका को दोहराया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा क्षेत्र अंतर्गत लोअर रोहिणी बांध पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा सुनने श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने धर्म लाभ लिया। कथा के चौथे दिन समुद्र मंथन को लेकर कथा का वाचन किया गया।